शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जरोखा का पाठ 4 चलें साथ साथ करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि इस वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। गाँव से आए दादा दादी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दादा दादी है वो कहाँ रहते हैं? गांव में। और बच्चे कहाँ रहते हैं? शहर में। तो शहर में अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से मिलने के लिए दादा दादी गांव से आए हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किन के पास आए हैं। आज गौरव के दादा दादी गांव से आने वाले हैं। किसके दादा दादी है वो? गौरव के। और कहाँ से आएंगे वो? गांव से। और कौन आएंगे? दादा दादी। स्कूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था। क्या बता रहा था वह अपने मित्र नीरज को? कि दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, जो दादा दादी होते हैं वो अपने परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं उनको बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनको वे सभी बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं और वे सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कहानी सुनते सुनते मैं दादाजी के पास ही सो जाता हूँ। तो क्या बता रहा है गौरव? कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो बच्चों, आपके दादा दादी भी आपको कहानियाँ सुनाते होंगे, सुनाते हैं ना? बच्चों को कहानियाँ सुनना बड़ी अच्छी लगती है। तो जो गौरव है वो भी कहानी सुनते सुनते अपने दादाजी के पास ही सो जाते हैं। मैं बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूँ। जो गौरव है वो अपने दादाजी की बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें उनकी वो मदद करते हैं। मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती है। तो गौरव की दादी जी है वो क्या काम करती है? वो दरी बनाती है। और कैसी दरी बनाती है? बहुत ही अच्छी दरी बनाती है। लेकिन अब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नज़र कमज़ोर होती जाती है। तो दादा दादी अच्छी उम्र के होते हैं, ज़्यादा उम्र के होते हैं, इसलिए उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। उनकी आँखों की जाँच भी करवानी है। तो दादा दादी जो आ रहे हैं उनकी आंखों की जांच भी करवानी है। दादाजी के घुटनों में दर्द रहता है। और दादाजी है उनकी घुटनों में दर्द रहता है। घुटने क्या होते हैं बच्चों? जहां हम बैठते हैं, तो जहां हम पैर मोड़ते हैं उस स्थान को घुटने कहते हैं। वे बेंत लेकर चलते हैं। बेंत क्या होता है बच्चों? जो हाथ में लकड़ी रखते हैं उसको बेंत कहते हैं। तो क्या आपके दादा दादी, दादा या फिर दादी या फिर दोनों बेंत लेके चलते हैं, हाथ में लकड़ी लेके चलते हैं, या वैसे ही चलते हैं? जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तब उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके दादाजी या दादी जी कैसे चलते हैं? वो बेंत लेके चलते हैं या बिना बेंत के चलते हैं? सोचो और लिखो। अब हमें नीचे ये पहले सोचना है और फिर लिखना है। जो हमने किया है उससे संबंधित, हमारे परिवार से संबंधित है ये। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं? क्या कहा है कि क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या फिर नाना नानी साथ रहते हैं? तो पूछा है आपसे, बताओ आपके परिवार में आपके साथ रहते हैं या अलग रहते हैं? दादा दादी आपके साथ रहते हैं या नाना नानी आपके साथ रहते हैं? यदि नहीं तो वे कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अगर साथ रहते हैं तो हम लिखेंगे कि हाँ वे हमारे साथ रहते हैं। अगर नहीं तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं वो हमारे साथ नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं वो और लिखना है
कि वो चाचा जी के साथ रहते हैं या फिर वो अकेले रहते हैं, जहाँ भी वो रहते हैं वो हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कि हाँ हमारे साथ रहते हैं, तो आपके साथ रहते होंगे आपके दादा दादी, हमारे साथ रहते हैं। तुम किन कामों में उनकी मदद करते हो? तुम ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें उनकी मदद करते हो? जैसे गौरव ने कहा ना कि मैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी कई कामों में, बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूँ। तो आप अपने दादाजी की कौन से काम में मदद करते हैं? तो सोच के देखिए आपके दादाजी आपको कौन कौन से काम कहते हैं और कौन कौन से काम आप करते हैं। जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे उनके नहाने के लिए पानी डालना, नहाने के बाद उनको कपड़े देना, उनको खाना देना, उनको चाय देना, ये ऐसे बहुत से काम है जिनमें हम उनकी मदद करते हैं। तो जो आप मदद करते हो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आप सोच के देखना कि आप अपने दादा दादी, जैसे हमने लिखा है कि हमारे साथ रहते हैं, अगर आपके साथ रहते हैं तो उनकी हम क्या क्या मदद करते हैं, उनकी आप क्या क्या मदद करते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्या तुम्हारे परिवार में कोई चश्मा लगाता है? यदि हाँ तो कौन कौन? उनमें से किसी एक का चित्र बनाओ। देखो चश्मा दिखाना मत भूलना। तो आपके घर में कोई चश्मा लगाता है या नहीं लगाता? लगाता है तो कौन कौन लगाता है, उनमें से किसी एक का यहाँ पे चित्र बनाना है। जैसा भी आपको चित्र बनाना आता है वो चित्र बनाना है, परंतु याद रखना चित्र बनाते समय हमें चश्मा जरूर दिखाना है। जो चश्मा लगाते हैं उसका चित्र बना के यहाँ पे हमें चश्मा जरूर दिखाना है। ऐसे हम कोई भी एक चित्र बना देंगे, क्या करेंगे हम चित्र बना देंगे और चित्र बना के उसका नाम लिख देंगे। जैसे आपके दादाजी लगाते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये मेरे दादाजी है। कौन है ये? ये मेरे दादाजी है, या फिर मेरे ये चाचा जी है। कौन है? दादाजी या फिर मेरे चाचा जी। अब ये मैंने देखिए वो बनाया चित्र, तो आप भी इसी तरह कोई चित्र बना के और उसके नीचे लिख देंगे कि ये मेरे दादाजी है, या फिर कौन है चाचा जी या नाना जी, जो आपके जी में आए उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं चाचा जी। कौन है ये चाचा जी? इस तरह आपको चित्र बनाना है। क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस में भी कोई बैंत लेकर चलता है? पता लगाओ, बैंत का चित्र बनाओ। तो क्या आपके आस पड़ोस में कोई लकड़ी लेकर चलता है? चलता है या नहीं चलता, उसका हमें चित्र बनाना है। तो बैंत कैसा होता है उसका भी हम चित्र बनाएंगे। बैंत ऐसा होता है, उसको यहाँ से पकड़ के चलते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पेंसिल से सेट कर देंगे, क्या करेंगे इसकी शेड बना देंगे हम पेंसिल से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बैंत। क्या है ये? बैंत। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल की वीडियो। तो बच्चों आज बस इतना ही। ये जो हमें चित्र बनाने हैं, दो ऊपर पर्सन लिखने हैं, ये आप अपनी बुक में करेंगे और फिर उसकी फोटो खींचकर अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।